जिले के एक निजी नर्सिंग होम में गोलीबारी हुई। इस गोलीकांड में काउंटर पर बैठा युवक बाल बाल बच गया। पूरे मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत जांच शुरू करते हुए सीसीटीवी फुटेज देखा। सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाते युवक की तस्वीर कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है। जानकारी के अनुसार एक युवक अपने पिता का इलाज कराने कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित कृष्णा नर्सिंग होम पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने उसके पिता को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। इसके बाद काउंटर पर बैठा एक स्टाफ ने उसे कल सुबह खाली पेट अपने पिता को अस्पताल लाकर अल्ट्रासाउंड कराने की बात कही। इसी बात से युवक नाराज हो गया, फिर दोनों के बीच बहस होने लगी। बहस होता देख मौके पर सपन कुमार नाम का अस्पताल का स्टाफ पहुंचा और युवक को कल सुबह आने की बात कही। इसके दौरान युवक ने पिस्टल निकाला और उसे दिखाकर अस्पताल के स्टाफ को डराने लगा। इस बीच बात इतनी बिगड़ गई कि युवक ने काउंटर पर बैठे युवक को टारगेट करते हुए गोली चला दी। गोली के चलने से काउंटर पर बैठा युवक बाल बाल बच गए। जैसे हम उधर से आए ना, उन लोग बोले कि क्या बोला है जाके बता दो, ठीक है। तब हम आए तो बोला क्या क्या हुआ था बाबू, हम बोले, वो बोला कि अल्ट्रासाउंड कहाँ कराना है, हम बोले यहीं आ जाना सुबह हो जाएगा। उसके बाद उससे फिर बोला कि देखो ये कैसा बोल रहा है और तुम कैसा बोल रहा था, वो क्या बोला वो तो हम नहीं सुने थे। उसके बाद वो एक बार निकाला, पिस्तौल निकाला एक बार, उसके बाद दिखा लिया और पॉकेट में डाल लिया। फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर बकने लगा, बकचक करने लगा, फिर तुरंत चला दिया। क्या गोली चलाया? एक गोली काउंटर पे चलाया। हाँ, नहीं, खड़ा यहाँ पर बैठा हुआ था, उसी के ऊपर चलाना चाह रहा था, लेकिन वो मुंडी झुका दिया तो उसको लगा नहीं। एक गोली, कितना गोली चला? एक गोली। ने क्या कारण क्या था, काहे के लिए चलाया? वो पेशेंट लाया था, कोई था उनका, जिसके कारण वो सर दवा लिखे थे ना, तो अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछ रहे थे। कितने की संख्या में था लोग? लोग दो था। दो लोग था, दोनों के हाथ में पिस्टल था कि एक हाथ में? हम तो एक ही का हाथ में थे। एक लड़का कौशल नाम का, तो मेरा स्टाफ को गोली चलाया, हम बच गया, वो मर जाता। वो क्या कारण गोली चलाने का कारण क्या? मेरे पापा को डॉक्टर से दिखाने के लिए आए हुए थे। घटनास्थल पर आए हैं, यहाँ गोली चलने की घटना सत्यापित की गई है और अपराधी की पहचान भी हो गई है और अग्रतर छापामारी और जो भी कार्रवाइयाँ की जा, अभी हम लोग देख लेते हैं उसका आपराधिक इतिहास थाने लेवल पे उसका जो क्या है, उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। तो पुलिस का खौफ तो है और अपराधी में हम लोग बना के भी रखे हैं और ये सब घटनाएं हुई हैं, तो इसका हम लोग सत्यापन भी कर लिए हैं और इसकी हम लोग अग्रतर कार्रवाई करके इसका उद्भेदन भी करेंगे और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है वो हम लोग करेंगे। अपराधियों का काम है कि वो अपने अपराध करने के फेर में रहते हैं, लेकिन पुलिस इसके लगातार इसको प्रिवेंट करने में लगी हुई है और उसका डिटेक्शन भी हम लोग करेंगे और ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग जो भी कार्रवाई करना है करेंगे। किस कारण गोली चलाई गई, कुछ पता चला? ये कुछ यहाँ पे उनके पेशेंट भर्ती थे और उसी में कुछ बहस हुआ है और उसके बाद ऐसी कार्रवाई की गई है और हम लोग इसमें लगे हुए देखते हैं। के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।